हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्र माई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे बच्चों की आंखों से पानी आने के बारे में। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 2 हफ्ते की उम्र के, 1 महीने की उम्र के, 6 महीने की उम्र पे, जिनकी आंखों से पानी आ रहा होता है। और अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि शायद ये रो रहा है या यूं ही आंखों से पानी आ रहा है। अक्सर पीडियाट्रिशियन उन पेरेंट्स को बता देते हैं कि आप आंखों को यहाँ ऐसे मल दीजिए और पानी आना बंद हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि इस कंडीशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और आंखों की बस यहाँ यहाँ मसाज कर देने से ये समस्या हल नहीं होती है। जरूरी है इस बात को जानना कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है और पैदा होने के 7 to 10 days बाद उसकी आंखों से पानी आता है तो इसको कैजुअली बिल्कुल भी ना ले। ये एक कंडीशन होती है जिसको हम NLD ब्लॉक कहते हैं, यानी कि नेजोलक्राइमल डक्ट का ब्लॉकेज। नेजोलक्राइमल डक्ट वो डक्ट होती है जो आंखों से आंसू के रास्ते को नाक तक जोड़ती है। हम सबकी आंखों में आंसू एक जगह पे बनते हैं और वे सारे आंसू कलेक्ट होकर के यहाँ एक सैक में आते हैं जिसे लक्राइमल सैक कहते हैं, और ये सैक ड्रेन होता है हमारी नाक के अंदर। कई बार नवजात शिशुओं में ये जो डक्ट है, ये जो नाली है जो सैक को नाक में जोड़ती है, ये नाली जाम हो जाती है या ये नाली पूरी तरह डेवलप नहीं हुई रहती और वो ब्लॉक होती है। और यही कारण होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों की आंखों से पानी बाहर गिरता है। इसका हम इलाज कैसे करेंगे? इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि हमें इसे टाइमली डायग्नोज एंड आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली, हमें तुरंत एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलना है। और ग्रॉसली जो हमें घर पे करना होता है वो ये है कि अपने हाथ धोकर के, स्पेशली मदर, माँ, साफ हाथ से, हाथ की छोटी उंगली का नाखून छोटा हो, कटा हुआ हो, और बच्चे की आंख में यहाँ कॉर्नर में उंगली से प्रेस किया जाएगा। पहले हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और फिर उंगली को ऊपर से नीचे तक पुल करेंगे, यानी कि आंख के कॉर्नर से लेकर के नोज के कॉर्नर तक फिंगर को ड्रैग करना है, माइल्ड से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाते हुए। ऐसा आपको 10 times करना है और वो करने के बाद में एक वेट कॉटन से आंखों को वाइप करके पोंछ देना है। इस तरह आप दिन में 3 बार अपने बच्चे की आंखों का मसाज करेंगे उस साइड में जिस साइड में आंखों से पानी आ रहा है, और फिर आईज को क्लीन करके एंटीबायोटिक ड्रॉप डालेंगे जो कि ऑप्थल्मोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब होगी। तो अगर हम लोग टाइमली इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो NLD ब्लॉक 90% बच्चों में इसी मसाज से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र ज्यादा क्रॉस हो गई और हमने फिर इलाज शुरू किया तो सक्सेस रेट सिर्फ 50% बचता है, और अगर उम्र 2 साल से ज्यादा क्रॉस हो गई तो सक्सेस रेट बेयरली 5 to 6% होता है और हमें बच्चों की आंखों में सर्जिकल इंटरवेंशन करने पड़ते हैं। तो आप ध्यान दें कि अगर आपके बच्चों की आंखों से पानी आ रहा है या आपके अड़ोस पड़ोस में, मित्रों में किसी के नवजात शिशु की आंखों से पानी आ रहा है तो उसका सही इलाज करें। थैंक यू।